Assalamualaikum guys, welcome back to my another vlog guys. देखें हम Prime Castle पहुंच गए, वो kids zone दिखाऊंगा। अच्छा, ये तुम्हारा डांस किधर गया? आप इसे लाइक करना। क्या दिखाओ? तीस तीस दिखाओ। ओ मैं जरूर लाइक। क्या करने? मजे की बात है कि मैंने बच्चों को हम यहाँ पे आज किड्स प्ले जोन लेके आए हैं, यहाँ पे है और गाइस मजे की बात है, जब दांत टूटा था मैं डस्टबिन के अंदर था। यहाँ पे ये देखें, बड़ी प्यारी जगह है। आज संडे और बच्चों को लेके आए हुए हैं। ओके, अच्छा जी, कमेंट भी कर। यहाँ देखो जाविया सुल्तान कितना एंजॉय कर रहे हैं दोनों, वो तो खुश हो गए कि आज इतने मल्टी कलर के बॉल्स उनके इर्द गिर्द पड़े हुए। ओए सुल्तानी, ये गेम प्ले एरिया है और आज हम बच्चों को किड जोन में लेके आए हुए हैं। संडे है, एंजॉय करने के लिए इत्शाम मामू के साथ ये लोग आए हैं, पूरी फैमिली हम लोग आए हुए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और उमर को देखें, उमर की एक्टिविटी को चेक करें। उमर गो अप, गो अप, गो अप, ऊपर जाओ, इतना एंजॉय करना है, ऊपर जाओ। ये अब ऊपर जाके डर जाएगा, ये बेसिकली है ही बहुत डरपोक, अब इसने नीचे उतर आना है। हाँ जी, क्या हुआ है? हाँ आप ऊपर उधर से उतरो। देखा मैंने क्या कहा था कि इसने नीचे आ जाना है। शावेश जंप करो, शावेश कम हियर, वहां जाओ, वो देखो उधर उधर फॉर्मी एरिया में, शावेश उधर साइड, ये देखो, वाह जी वाह। उमर आज बाकी मंकी बन गया, गुड। अब हमारा मंकी रेडी हो गया है वॉल पर जाने के लिए। ओ गुड एफर्ट, गुड गुड उमर, अगेन गुड। ऊपर तक जाना है, जाओ जाओ, कुछ नहीं होता, ब्रेव बनते हैं। इस साइड पे हो जाओ, इस साइड पे, हाँ इस ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, डरो नहीं ना, ऊपर जाते हैं सारे बच्चे, देखो कितना ऊपर जा रहे हैं। ये है ही डरपोक, ब्रेव बॉय नहीं है, ब्रेव बॉय नहीं हो आप। अब इसने इसको क्रॉस करके आना है ब्रिज को। हाँ जी, ब्रिज को क्रॉस करके आओ, चलो हाँ आज आ जाओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ आ जाओ। ब्रेव बॉय नाउ, कम यस, ब्रिज को हमने क्रॉस कर लिया, कोई बात नहीं, इसी तरह से इंसान सीखता है। अनदर हर्डल रे, चलो क्रॉस करो, शाबाश, उसी को बैलेंस करके, हाँ रखो रखो, कुछ नहीं होता। आपके व्यूवर्स क्या कहेंगे कि उमर ये देखें यहाँ पे कितना मज़े का बच्चों के लिए बनाया हुआ है, बच्चे इसके ऊपर बैठ के और फिर ना गोल गोल घूमते हैं। वो देखें उमर साहब स्लाइड पे पहुँच गए हैं, यस बैठ जाओ आप भी इस पे, उमर बैठ जाओ, यस हेलो, आए आपको पूरे किड्स जोन की जो है ना एक व्यू देती हूँ। ये देखें बड़ा ही अच्छा इन्होंने ना बनाया हुआ है, यहाँ पे बच्चे बड़ा ही फन करते हैं, आके एंजॉय करते हैं। आज वीकेंड है तो हम भी बच्चों को लेके आए हैं, यहाँ पे भी देखें बच्चे खेल रहे हैं। हेलो सारिम, हाउ आर यू,
वाओ डेट्स गुड। यहाँ पे उमर का जी फ्रेंड भी, क्लास फेलो भी मिल गए, सारे मिज हियर। नाइस बेटा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चलो अब उमर के साथ प्ले करो। आज शावेज आ जाओ। ये शावेज आ गया। ओए आ जाओ। नो गुड डे बेबी। ये देखे जी शावेज आ रहे अंदर स्लाइड के। ओ वहां से आ गए। हाँ ऊपर जाओ 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 जाओ, आ जाओ, डरो नहीं, आ जाओ। क्या हुआ, डर लग गया? हाँ अच्छा चलो स्नेट के ऊपर जाओ, चलो जल्दी से चढ़ जाओ जल्दी से। हाँ कहाँ हो, कहाँ हो? यहाँ देखिए उमर, उमर मिल ही नहीं रहा मामा को। ओ उमर इज हेयर। वाह उमर, हाँ गुड। चलो हाँ यहाँ से नीचे आओ, यहाँ से नीचे आओ। चलो क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? ओ स्लिप हो गया। ओ स्लिपी, मामा को तो नहीं मारो। ओ अगेन स्लिप। उमर इधर देखो, इधर बताओ, एंजॉय कर रहे हो आप? वाओ दैट्स गुड। चले शावेज आप गाइस को बोले, क्या बोलना था गाइस को? क्या अच्छा कमेंट नहीं किया भाई आप लोगों ने, कमेंट करना है। वो जा रहा है जी, वो जा रहा है। प्रिया प्रिया इधर देखो, प्रिया इधर आओ, ये लो चीजी ले लो, इधर आओ। क्या हुआ है, मामा आ जाती हैं क्यों? मामा को क्या कहना है? शावेज बाहर नहीं फेंको, वो डांटेंगे आपको। बाहर नहीं बॉल्स फेंको, अंदर खेलो। यहाँ देखो जी ये भी अपने एंजॉयमेंट में लगे हुए दोनों। इन्होंने कहा हम क्यों पीछे रहे, माशाल्लाह। ओए सुल्तान बाय 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 बाय, सुल्तान एंजॉय कर रहा है बहुत। उमर आप क्या बना रहे हो, टावर बना रहे हो? वाओ यहाँ देखिए ना बच्चों के लिए उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज भी रखी हुई है कि बच्चे आए और आके ना अपनी पसंद की जो है ना वो चीज़ों को बिल्डअप करें बनाएं। अब उमर भी इसी सोच में है और ये देखिए इसने इतना प्यारा सा टावर कुछ बनाया तो है, अब ये और चीज़ें ढूंढ रहा है, पजल्स हैं और उनको इकट्ठा करके तो इसने बनाना है। आए आपको बाहर का भी व्यू दे करवाती हूँ, मैं भी आपको बाहर भी लेके जाऊँगी। यहाँ देखे ये दोनों अब कौन से हाउस में बैठ गए हैं? ओए क्या सोच रहे हो? वो ये आया भाई, ये आया। जेंट्स अलाउ नहीं है ना अंदर, तो जावियार के पापा बाहर आ गए और देखिए उसको, वो अपने पापा को देख रहे हैं। जावियार कौन आ गया? वो हैरान है कि बीच में से मिरर कहाँ आ गया। देखे उसको वॉमिट ना, शावेज को नहीं बिठाना, उसको वॉमिट आ जाती है। प्रिया क्या हालत, देखो जरा प्रिया क्या हुआ है? यहाँ पे मैंने भी जंप किया और सांस फूल के, बड़ा वैसे एंजॉय करता है बंदा यहाँ पे तो। यहाँ व्यू चेक करें आप, ये देखो हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कितनी दफा करना है? यहाँ पे इतना प्यारी जगह है, कोक ले लेते हैं। हम किधर आए हुए, हम किधर आए हुए? ये है नाइस प्लेस। और यहाँ से भी देखें, बहुत अच्छी जगह है, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे।
बच्चों ने बहुत अच्छा एंजॉय करने के बाद अब हम गाड़ी में बैठ चुके थे और अब शाम का प्लान था कि हम सब बहन भाइयों को एक अच्छा सा डिनर करवाने का। तो अब हमने वो प्लान किया कि अब हमने कहाँ पे खाना खाना है और फिर अब हम सब होटल पे जा रहे हैं। वहीं पे भी हमने इत्याम के साथ जा रहे थे और असद और नुमान भी हमारे साथ आ रहा था। इत्याम हमें यहाँ पर अब लेके आया है डिनर करवाने के लिए। बहुत अच्छा इनका टेस्ट है और सारा कुछ है, तो देखते हैं आज हम खाने में क्या खाते हैं। क्या बकरी आ गई, कहाँ से आ गई है, कहाँ पे? पिज्जा नहीं खाना, हमने खाना खाना है। काफी अच्छी सिटिंग है इनकी, लेकिन हमने प्रेफर किया है बाहर बैठना। हमने कहा हम बाहर ओपन एयर में बैठते हैं। यहाँ भी इनको झूले मिल गए इनकी पसंद के, हैं झूलों के अलावा कोई काम नहीं है तुम लोगों को, हैं जिधर होते हैं अल्लाह ताला तुम लोगों की सुन लेता है। ओए इधर तो हैन पिजन भी है, वाओ वो देखे उमर शावेज भी। और ये इनका ओपन एरिया है जहाँ पे हमने बैठ के भी डिनर करना है। यहाँ देखो ना ज़रा शावेज को, उसको कोई फ्रेंड मिल गया, ये ऐसे ही बना लेते हैं अपने फ्रेंड्स। अच्छा इन्वायरमेंट है ओपन एयर में ना, लेकिन अभी गर्मी ज़्यादा नहीं है तो बंदा इजीली बैठ सकता है। जब गर्मी हो जाए तो फिर नहीं बैठा जाएगा। सुल्तान कौन आ गया है? पापा आ गए हैं। नुमान भी आ गया है और थक के आया था क्योंकि ये असद और नुमान शॉपिंग पे गए हुए थे। हमने फिर इनको इधर ही बुला लिया था। अब जी ये नुमान इत्याम से पूछ रहे थे कि आपने खाना खाने में क्या ऑर्डर किया है, तो इत्याम आगे से कह रहा था कि जो भी आ जाएगा ना अभी टेबल पर आ जाएगा, तुम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेना। ये भाइयों में ना इस तरह की बातें हंसी मजाक चलता रहता है। नुमान को तो शिद्दत से भूख लगी हुई थी, बस पानी पिए जा रहा था और खाने का इंतज़ार कर रहा था। और असद जो है वो अपने बेटे सुल्तान के साथ खेल रहा था। इत्याम भी जावियार को लेके स्विंग्स पर चला गया था और हम खाने का इंतज़ार कर रहे थे। खाने का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है सुल्तान। सुल्तानी ये क्या लेके आयो? क्या किस चीज का पर है? गंदा। ये दांत किधर गया तुम्हारा? हाँ अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा गांव टच वाला माहौल था कि चारपाई भी उन्होंने डाली हुई थी। नुमान इतना थक के आया हुआ था कि चारपाई पे आके ना वो लेट गया था और मुझे कह रहा था कि हाँ मुझे ना क्लिप में मत लो। मैंने कहा ना मेरे बेटा यही तो मैंने तुम्हें क्लिप में लेना है कि डॉक्टर नुमान साहब किस तरह से थक के और ना लेटे हुए हैं। और नुमान उमर को मैं कह रही थी कि ना मामू को तंग करो और बोलो कि उठ जाए ना। इसी दौरान जी सुल्तान जो है वो अपने पापा के साथ बिज़ी था। अब उमर ने ना नुमान को तंग करना शुरू कर दिया था। नुमान उसको कहता था ना करो, क्योंकि हम सबको ये बहुत शिद्दत से भूख लग रही थी और हम खाने का इंतज़ार कर रहे थे। नुमान और उमर में ना ये इसी तरह से खाना आ गया है और हमारा उस टेबल पे अब खाना लग रहा है। चारपाई पे बैठे रहो ना, मुझे खाना लग रहा है हमारा। नुमान ने अपनी सीट संभाल ली है। यमी यमी खाना आ गया था। सीख कबाब थे, मलाई हांडी थी और चिकन हरियाली हांडी भी थी और साथ सॉसेस थी। यानी बहुत ही यमी खाना था, मैं बता नहीं सकती कि बस अभी भी सोच रहे ना तो मुंह में पानी आ रहा है। और हाँ उमर कैसा था खाना? बहुत क्लासिक था। आप इधर आए, इसका नाम मामा डिस्क्रिप्शन में देती है होटल का। ओके जी, आप लोगों ने भी ज़रूर ये यमी सा खाना खाना है और हमें कमेंट में बताना है कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। सुल्तान अकेले बैठ के खुश हो रहे? सुल्तान ये आज फन लैंड गया हुआ था ना, वहाँ पे आज इतना एंजॉय करके आया। तुम क्या कर रहे हो, साइड पे हो गए? एक अच्छा दिन स्पेंड करने के बाद अब हम कहाँ जा रहे हैं उमर? तो ये हालत क्या बना ली अपनी? चलें जी, आज बड़ा अच्छा दिन हमने गुजारा है और संडे हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। सुबह अगेन मंडे, अगेन वर्किंग डेज। ना करो ऐसे बेटे, आइज ख़राब हो जाएंगे। चलें अब इसी के साथ हम अपना जो ब्लॉग है, का,
भी नहीं एंड करता तो आपने बताने आपको आज का हमारा ब्लॉग कैसा लग गया। आपने कमेंट में ये भी बताना कि उम्र का दांत भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाजमी करना है। कल मिलेंगे आपको एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अब भी हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे आपको डॉक्टर नुमान भी अल्लाह हाफिज़ बोलते हुए नजर आएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलो चले चलें जी, अब हम ड्राइविंग सीट संभालते हैं। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।